तो वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे बिरला केबल और सुजलॉन। दो चार दिन वीडियो नहीं डाल पाया उसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत सारा थोड़ा काम में फंस गया था घर की उसके वजह से। तो आज से आपको रेगुलरली वीडियो मिलेगा। ज्यादा कुछ बकवास ना करते हुए सीधा है आ गए हम लोग बिरला केबल के चार्ट पे। देखो यार, बिरला केबल इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि यार इसमें 80-82 में अच्छी खासी एंट्री की मौका बनता है। जब हमने आपको बताया था वो था, देखो ये रहा बिरला केबल का वीडियो, बिरला केबल और जिंदाल साहब दोनों का मैंने डाला था। उसके बाद मैजिक्स के वो अशोक लेलैंड, आदित्य बिरला कैपिटल, इन सब का वीडियो मैंने डाला था एक एक वीक पहले। इसका क्या हुआ है आप एक बार जाके देख सकते हो कि भैया इसमें आपको क्या रिटर्न मिला था। ठीक है, हमने यहाँ पे 82-81 या 83 पे आपको बोला था, आज 85-86 पे चल रहा है, 1-2% के ऊपर है। आज भी अच्छा मौका बन रहा है इस शेयर में, जो आप एंट्री लेने की पूरी संभावना बनती है। भैया आज भी आप एंट्री इसमें 84-83 में ले सकते हो, ऐसा हमें लगता है। और शेयर में ना कोई ऐसे बैड न्यूज नहीं है जिसकी वजह से आपको इसमें कुछ हो जाए, और अच्छा खासा प्रमोटर का इसमें होल्डिंग भी है। और इसका जो लास्ट टाइम एक न्यूज आया था, जो सऊदी अरब में इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला था, उसकी वजह से इसने 120 तक के जंप किया था। ठीक है, तो वो 120 तक की जंप जो किया है ना, मुझे लगता है कि एक चिंगारी लगने की जरूरत है इसमें, ये फिर से फट जाएगा। समझ रहा हो ना, अब छोटी सी चिंगारी के लिए वेट कर रहा है, फिर से ये फटने के लिए तैयार है। मुझे लगता है जब मेजर्स को मैंने आपको 80-84 पे बोला था, कल के दिन में 10% का अपर सर्किट लगाया, अभी वो आपको सेलर्स नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो चीजें हम बहुत जल्दी भाप लेते हैं या चीजें हम बहुत जल्दी समझ लेते हैं मार्केट की एक्सपीरियंस की वजह से आएगा। और आप भी ठीक है, कोई भी नए हो या थोड़े बहुत पुराने हो, फिर भी आपको भी समझ में आएगा कि यार कैसे ये मार्केट आगे कैसे रिएक्ट करने वाली है, कौन सी सेक्टर है, आपको समझ में आ सकती है। देखो इसका टारगेट मुझे लगता है अभी फिलहाल इसके टारगेट में मैं 120 तक की टारगेट इसको मान के चल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें मैं बहुत बुलिश हूँ। चार्ट में अच्छी खासी यहाँ पे एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है 80 रुपीज पे। आप 80 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाओ, और वो भी कैसे, क्लोजिंग बेसिस पे। क्लोजिंग बेसिस पे मतलब ये जो हमने लाइन डाला है उसके नीचे कैंडल क्लोज होना चाहिए, और एक कैंडल के और एक लाइन के बीच में कुछ ऐसे टच नहीं होना चाहिए, इसको क्लोजिंग बेसिस बोलते हैं। जैसे आपको जो पुराने वीडियो देखते हैं उनको तो पता है, जो नए वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये एक इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, ये है बिरला केबल। बिरला केबल के बाद हम चलते हैं सुजलॉन के इस पे। सुजलॉन के चार्ट पे भी देखो यार, मैंने आपको सुजलॉन का वीडियो भी बनाया था। लास्ट वीडियो हमारा था सुजलॉन और जीटीएल इंफ्रा का। जब हम लास्ट वीडियो आपको बनाए थे उस टाइम पे आपको बाइंग का दिए थे 5.5 या 6 रुपीज के बीच में, आज चल रहा है 6.25, तो अराउंड 3-4% की आपको प्रॉफिट भी है। और यहाँ पे और एक सपोर्ट क्रिएट किया है 6 रुपए का, 6 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे और एक सपोर्ट इसने क्लोज किया है। बट मेजर जो सपोर्ट है 5.70 रुपए का। कंपनी देखो, कंपनी का कोई ऐसा बैड न्यूज नहीं है। 4 वीक पहले एक न्यूज आया था जिसमें कंपनी ने कंसोलिडेटेड जो प्रॉफिट था 3.64 करोड़ ने इसने जून क्वार्टर में दिया था, तो इसके हिसाब से इस क्वार्टर में भी अच्छी खासी इसका प्रॉफिट देने की एक संभावना है। और सुजलॉन एनर्जी जो लगातार क्वार्टर बाय क्वार्टर उसका जो अच्छी खासी देखो मार्केट में मजबूती आ रही है, कंपनी में एक स्ट्रेंथ आ रहा है, तो कंपनी ये मल्टीबैगर बनने की पूरी औजार पे खड़ा है ऐसा हमें लगता है। ठीक है, सुजलॉन एनर्जी का जो स्टैंड अलोन जो जून 2021 का नेट सेल्स था, वो नेट सेल्स देखो बहुत जबरदस्त नेट सेल्स था, और ईयर ऑन ईयर इसने 1500%, ठीक है, 1500-1600% का अप था। तो इसके वजह से आपको पता चला कि यार सुजलॉन कैसे जा रही है, किस दिशा में जा रही है। अगर आप शॉर्ट टर्म करने वाले हो तो देखो 7-8 रुपए का टारगेट, तो 7.30 टारगेट है, 8.50 टारगेट है, 9.45 टारगेट है। ये मैं पर्सनली मेरे पोर्टफोलियो में मैंने आपको आज रिवील कर देता हूँ कि होल्डिंग पे रखा है इसमें थोड़े बहुत बाई करके, जिसको हम लॉन्ग टर्म के लिए मैं होल्ड कर रहा हूँ। जो लॉन्ग टर्म की पोर्टफोलियो होती है वो मेरी होती है 2 साल तक की, तो उसके हिसाब से मैंने इसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके रखा है। देखते हैं मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से, और कंपनी का क्वार्टर बाय क्वार्टर जो इसकी रिजल्ट होंगी ना, वो हर क्वार्टर में अगर बेहतर होते जाएंगी तो ये मल्टीबैगर 101% बनने की पूरी संभावना इस शेयर में है। ठीक है, आज जैसे आपको पता है
ये शेयर था 400 रुपए से जो अभी गिर के 5-6 रुपए में चल रहा है, क्योंकि कंपनी में ऐसे बहुत सारी चीजें हुई जिससे आपको इसमें बहुत बड़ी गिरावट दिखी। अभी कंपनी सही ट्रैक पे आने की पूरी कोशिश कर रही है, डेब्ट चुका रही है और इनके रिजर्व्स बढ़ा रही है और इसका सेल्स बढ़ रही है। कंपनी एक पॉजिटिव तरीके से काम कर रही है, प्रमोटर एक पॉजिटिव तरीके से काम कर रहा है, जिसकी वजह से इसको लॉन्ग टर्म में भी होल्ड कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म में भी। इसमें देखो, मैंने आपको 6 रुपए के आसपास में एक वीडियो बनाया था एजुकेशन के लिए, उस वीडियो में अगर ले तो अभी भी 3-4% के अप है। ठीक है, तो चीजें थोड़ा रुकना पड़ता है। आज आपने डाला तो कल देखेंगे, ये इंट्राडे करो भैया, आपका मानसिक जो स्थिति है वो इंट्राडे करने वाली है। आज डाल के कल देखने वाला नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता, वो बीटीज इसके और इंट्राडे वाले होते हैं। अभी यहाँ पे आपको देखना है तो एक देखना कि यार आप 15 दिन 8 दिन एक सपोर्ट बनो, अगर सपोर्ट के नीचे जा रहा है और वो भी क्लोजिंग बेसिस पे, तब उससे एक बार छेड़खानी करना, नहीं तो उसको होल्ड करना। ये एक ऐसी छोटी सी चिंगारी है, अगर इसे मार्केट में एक छोटी सी वो न्यूज की जरूरत होती है इसको फटने के लिए और ऊपर जाने के लिए, तो उस चीज के लिए वेट करना। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि सपोर्ट पे लो या ब्रेकआउट पे लो। ब्रेकआउट पे मुझे फायदा ज्यादा दिखता नहीं है, इसलिए मैं देखता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा फेक ब्रेकआउट हो जाती है, तो उसकी वजह से मैं ब्रेकआउट पे बहुत कमी से रिकमेंड करता हूँ और स्टॉप लॉस पे सॉरी सपोर्ट पे बहुत ज्यादा। सो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना। थैंक यू।